देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज एक कटोरी चावल के आटे से बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। चलिए देखते हैं। एक कटोरी ये देख सकते हैं चावल की आटा है, इसमें थोड़ी सी नमक डाल देनी है और कुछ भी नहीं डालना है। आटे को थोड़ी सी पानी से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। सुबह का हो या शाम का हो, किसी भी टाइम में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। जल्दबाजी में है तो भी आप बना सकते हैं, फटाफट बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चावल का आटा है, पिसवा के मैं रखी थी। सकते हैं मेरे चावल का आटा पूरी तरह से इसको सान ली हूँ, घोल ली हूँ और अब इसमें सब्जी में क्या क्या डालूंगी। बच्चे तो खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देख सकते हैं, ये है प्याज और गाजर, मिर्चा, लहसुन, मटर, ये देख सकते हैं टमाटर। ये सारे चीज़ को मैं कढ़ाई में थोड़ी सी हल्की सी भून ली। मेरी गरम हो गई है, देख सकते हैं हींग है और सरसों है। थोड़ी सी तड़का लगा देना है। लहसुन को मैं डालती हूँ थोड़ी सी, प्याज और ये जो कटी हुई थी गाजर घटी हुई थी वो, ज्यादा नहीं हल्की से लाल करना है। मटर जो मैं छील के रखी थी ठंडी की सीजन है, ठंडी में मटर बहुत ही ज्यादा मिलती है और सस्ती भी है। पर मैं थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, मिर्ची मैं नहीं डाली थी इसे भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी चटपटी बन जाएगी। टमाटर हल्की सी जो मैं कट करके रखी थी, एक चम्मच करीब देख सकते हैं चाट मसाला, थोड़ी सी मिक्स मसाला आधी चम्मच करीब, और हल्की सी भूनना है, ज्यादा नहीं है हल्की सी, कि मटर के दाने जो है वो अच्छी से थोड़ी सी इस तरीके से देख सकते हैं कि पक जाना चाहिए। देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी लगा देना है रिफाइंड ऑयल ऐसे करके किसी चीज से, और के बाद इसमें आप जो बना के चावल का आटा जो बना के आप रखे हैं घोल, उसको थोड़ी थोड़ी करके दूध पर फैला देना है इस तरीके से। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी डालना है इस तरीके से फैला देना है। ये देख सकते हैं और ये
इसमें जो आप सब्जी तैयार करके रखे हैं उसको थोड़ी थोड़ी इस पर डाल देना है। थोड़ा सा किनारे चला गया, थोड़ी थोड़ी डाल देना है बीच में। एक बार इस तरीके से नाश्ता जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं खास करके ठंडी में। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से डालना है और थोड़ी सी फिर से इसमें चावल का आटा जो घोल बना के रखे हैं उसको डाल देना है। इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है मेरे पानी है गर्म हो रही है, इस तरीके से डालते जाना है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। नाश्ता तो आप लोग बहुतों बार बनाए होंगे और सभी लोग बनाते हैं, एक बार जरूर बना के देखिएगा। ठंडा में, ठंडा के सीजन में इस तरीके के नाश्ता बहुत से बच्चों हो चाहे बड़े हो सभी पसंद करते हैं। और इस तरीके से ढक देना है, पूरी तरह से कवर कर देना है। बन के तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चावल के आटे से बनी हुई मेरी नाश्ता। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा बना करके कि कितना अच्छा बनता है। ये चावल का आटा का आराम से उखड़ जाएगी, इस तरीके से उखाड़ लेना है और एक बार ट्राई करके जरूर देखिए बना करके। ये देखिए, ये देखिए कितना टेस्टी और कितना हेल्दी। एक बार जरूर बनाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है।